हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GS सुपर टेक में। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फर्श में कलर जो हम करेंगे उसको कितनी मात्रा में लेना है और क्या सामान हमें चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन दबा कर ऑल पर सिलेक्ट कर दें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कलर की आवश्यकता पड़ेगी। हम यहाँ पर लाल कलर लेंगे। आप जौन सा चाहे कलर ले सकते हैं, लाल ले सकते हैं, पीला कलर भी ले सकते हैं। सेम क्वांटिटी डलेगी जो हम आपको अभी बताएंगे। दोस्तों, आपको सफ़ेद सीमेंट की 3 कटोरी लेनी है, यानी 3 कटोरी सीमेंट सफ़ेद लेना है और 1 कटोरी सीमेंट आपको कलर लेना है, यानी आप जौन सा कलर करना चाहते हैं उसकी 1 क्वांटिटी लेंगे और वाइट सीमेंट की 3 क्वांटिटी हम लेंगे। कलर में हमें वाइट सीमेंट की मात्रा ज़्यादा रखनी है। दोस्तों, अब आपको सफ़ेद सीमेंट और जो कलर है आपका को एक जगह मिला लेना है, यानी 3 कटोरी जो सीमेंट लिया है हमने सफ़ेद और 1 कटोरी रंग लिया है को अब अच्छी प्रकार से हम मिलाएंगे। इस कलर को तब तक मिलाना है जब तक वाइट सीमेंट कलर में ना बदल जाए। कलर आपका कोई सा भी हो, पीला कलर हो, सफ़ेद के लिए तो हम वाइट सीमेंट ही इस्तेमाल करेंगे खालिस, लेकिन अगर कलर है तो तब तक मिलाए जब तक उसका सफ़ेदपन ख़त्म ना हो जाए, कलर जैसा उसका रंग हो जाए तब तक आपको मिलाते रहना है। इसको करीब आधे घंटे तक मिलाते रहना है। दोस्तों, आधा घंटा मिलाने के बाद आपका कलर और वाइट सीमेंट मिलकर इस प्रकार से बिल्कुल कलर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपका पीला कलर हो या रेड कलर हो या कोई सा और कलर हो, बिल्कुल ऐसे मिक्स हो जाएगा। सफ़ेद बिल्कुल भी नहीं रहना है कलर में। ये आपके देख सकते हैं, सफ़ेद सफ़ेद सा जो है उसको बिल्कुल अच्छी प्रकार से हथेली पे ऐसे रगड़ना है, मिलाना है। सफ़ेद दाने नहीं रहने देने हैं वाइट सीमेंट के। इस तरीके के जब आपका अच्छी तरीके से मिल जाए, आपको इस कलर को छान लेना है। उस बर्तन में छान ले जिसमें आपको घोल के लगाना है। इस प्रकार से आप कलर को छान लेंगे और जो फालतू का है यानी डली बनी हुई है उसको आप निकाल दें, इसमें ना डालें।